दोस्तों नेम फेम किसे पसंद नहीं। ऐसा नहीं कि आप ही कुछ को तभी आप लोगों का नाम हो। आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीज भी हो सकते हैं जिससे आप लोगों का नाम काफी फेमस हो सकता है। अब इस ब्रीड को ही देख लो। वैसे तो ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में काफी फेमस है, जिसका नाम है फ्रेंच मैस्टिफ। बट ये आप लोगों को बॉलीवुड के काफी सारे हीरोज के पास भी देखने को मिल जाती है, जिसमें से हमारे सलमान भाई भी है। तो काफी लोग ये देखकर भी इन्हें परचेज कर लेते हैं कि हमारे सलमान भाई के पास ये डॉग ब्रीड है तो हम भी परचेज कर लेते हैं। लेकिन उन सब की भाई ये रियल लाइफ है। लेकिन रियल लाइफ में डॉग ब्रीड कैसे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जो फ्रेंच मैस्टिफ है ना, ये एक बहुत ही अच्छी और काफी तगड़ी डॉग ब्रीड है और ये मोस्ट लोगों की फेवरेट भी है। तो दोस्तों फ्रेंच मैस्टिफ एक काफी लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है। काफी भारी भरकम भी होते हैं और इनका जो कलर ना ये काफी यूनिक होता है, जो कि आप लोगों को सिर्फ किसी किसी डॉग ब्रीड में ये कलर मिल पाता है। वैसे इनकी आईज का कलर भी काफी प्यारा होता है। वैसे गाइस आज की वीडियो के थ्रू ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होगी, बिकॉज ओनर के पास सिर्फ ये एक मेल पपी ही अवेलेबल है। वैसे ये जो ओनर है ना, ये सिर्फ इसी डॉग ब्रीड के साथ काम करते हैं और इसी वजह से आप लोगों को इस ब्रीड में काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, जैसा कि आप लोग इस पपी में देख ही रहे हैं। तो पपी काफी हेल्दी है, काफी हैवी बोन है, फेस पे क्लियरली आप लोगों को काफी सारे रिंकल्स भी दिख रहे हैं और यही पहचान होती है एक अच्छी क्वालिटी के फ्रेंच मैस्टिफ की। तो गाइस अगर आप लोग फ्रेंच मैस्टिफ लेने जा रहे हैं ना, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या फैमिलीज में इसे रख सकते हैं, कैसा इनका टेम्परामेंट है, कितने प्लेफुल है और कितने लार्ज साइज के होते हैं, और क्या बच्चों के साथ ये कंफर्टेबली रह सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि भाई अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता तो आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहले अगर बात करें इसके टेम्परामेंट के बारे में, तो फ्रेंच मैस्टिफ एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, बट इसके बावजूद भी इन्हें काफी अच्छा गार्ड डॉग माना जाता है। सेकंड चीज, फैमिलीज में रखने के लिए भी ये डॉग ब्रीड बहुत ही अच्छी है, बट आप लोगों के पास कम से कम एक मीडियम साइज का घर जरूर हो। अगर स्मॉल साइज के घरों में रखोगे तो आप और ये डॉग्स परेशान हो सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस ब्रीड को छोटे बच्चों के साथ कंफर्टेबली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे बच्चों के लिए काफी जेंटल होते हैं। और हाँ गाइस, इस पपी के जो पेरेंट्स की फोटो वीडियोस है ना, वो उन्होंने मुझे सेंड नहीं कर रखी। उनका कहना है कि जो भी परचेज करेगा ऑन डिमांड उसको फोटो वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप लोग कभी भी डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय द वे गाइस, अब मैं आप लोग को इस पपी की बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ कि कितने प्राइस में आप लोग को मिल सकता है और क्या इसकी लोकेशन है। तो पहले अगर बात करें इसकी एज के बारे में, तो ये पपी 40 डेज का हो चुका है, उन्होंने डिफॉर्मिंग कर रखी है। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है पटियाला पंजाब से। एंड गाइस डिलीवरी को लेकर आप लोग को दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट जाकर अच्छे से क्वालिटी वगैरह चेक करके इसे परचेज कर सकते हो। अदरवाइज ओनर आप लोग को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो पपी काफी अच्छी क्वालिटी में है और ये एक मेल पपी है। तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की बाई 23,000 पीस यानी 23,000 रुपए। लेकिन गाइस प्राइस नेगोशिएबल है, तो एटलीस्ट आप लोग को एक बार डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके बार्गेनिंग जरूर करनी चाहिए। क्या पता कितना प्राइस कम हो जाए और पपी आप लोग के बजट में आ जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।